चाह पैग हमारे हवाले कर दो। अरे कैसे लोग हो तुम सब? ये अकेले इंसान को सब मिलकर पीट रहे हैं और तुम सब चुप हो। अरे कोई तो बचाओ मुझे। छोड़ो भीम सिंह जी को। ए बच्चे दूर ही रहो, पास आए तो पिट जाओगे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। टमाटर उठाओ और निशाना लगाओ। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, सबके सामने पिटा गया क्योंकि मैं कमजोर हूँ। आज के बाद मैं कमजोर नहीं रहूंगा, आज के बाद कोई मुझे पीट नहीं पाएगा। इस दवाई का असर की कोई तय सीमा नहीं है, एक घंटा, एक दिन या फिर एक महीना या फिर कभी नहीं। और हाँ, एक विशेष बात, ज्यादा दवाई खाने से दिमाग में उल्टा असर भी हो सकता है। कुछ भी हो जाए मैं शक्तिशाली बन के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मारा तुम लोगों ने, अब भीम सिंह से बच नहीं पाओगे। अगर ये जड़ी बूटियों वाली दवा सच है तो कल सुबह तक मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा और फिर मैं उन बदमाशों की खबर लूंगा। भीम सिंह मेरे रियाज का समय हो गया है, चाय तो लाओ। तुम कौन हो, अंदर से कैसे आए? भीम सिंह, भीम सिंह कहाँ हो? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं ही हूँ भीम सिंह। अब मेरे चाय बनाने के दिन खत्म हुए और लोगों को सबक सिखाने के दिन शुरू हो गए हैं। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि भीम सिंह क्या चीज है। फिर मिलूंगा। शिवा, शिवा जल्दी बाहर आओ। शिवा की साइकिल पर हो जाओ सवार। फुल एपिसोड्स के लिए अभी डाउनलोड करो वुड किड्स ऐप एंड ट्राई फॉर फ्री। क्या हुआ नाना जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? शिवा तुम देखोगे तो तुम भी ऐसे ही चिल्लाओगे। वो भीम सिंह। भीम सिंह क्या नाना जी? भीम सिंह रातों रात एकदम पहलवान बन गया है। मैंने चाय बनाने के लिए कहा तो ये बोलकर निकल गया कि अब चाय बनाने के दिन नहीं, लोगों को सबक सिखाने के दिन आ गए हैं। पता नहीं वो बाहर क्या कोहराम मचाने के मूड से गया है।
तुम जाकर देखो उसे। डोंट वरी नाना जी, भीम सिंह अच्छे दिल के इंसान है, कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। क्या हुआ, पहचान नहीं पा रहे? मैं भीम सिंह हूँ, वो बदमाश का जिन्होंने कल मुझे पीटा था। वो उधर उस दुकान में, उधर देखो। तू कौन है भाई, है? हमें ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहा है? मैं वही हूँ जिसको कल तुम लोगों ने कमजोर समझकर पीटा था। कल तुम्हारा दिन था, आज मेरी बारी है। सॉरी भाई, सॉरी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कल हमने तुम्हें नहीं, एक दुबले पतले आदमी को मारा था। सॉरी सॉरी। दुबला पतला आदमी मैं ही हूँ। हेलो लड्डू सिंह जी, जल्दी मार्केट में आ जाइए, भीम सिंह मार्केट में मारपीट कर रहा है। क्या कहा, भीम सिंह और मारपीट? उसकी इतनी हिम्मत, फोन दो, फोन दो उसको, फोन दो। भीम सिंह, ये फोन पर लड्डू सिंह जी से बात करो। लो। हेलो, बोलिए लड्डू सिंह जी। भीम सिंह, तुमने मार्केट में क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ। लोगों से मारपीट कर रहे हो। तुम शिवा के घर से हो, इसलिए मैं तुमको सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ। खुद को रोक लो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम नाना जी के खास हो। कानून की नजर में हर मुजरिम बराबर होता है, समझे? लड्डू सिंह, फोन पर मुझे डरा रहे हो? मैं ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं। हिम्मत है तो आ जाओ खाने में। भीम सिंह, तू मुझे इंस्पेक्टर लड्डू सिंह को चैलेंज कर रहे हो, तो आ जाओ, आ जाओ अखाड़े में, हो जाए दो दो हाथ, आ जाओ। तो फिर ठीक है, एक घंटे बाद अखाड़े में मिलते हैं। अंकल, क्या आप लोगों ने भीम सिंह को देखा है? तुम्हारा भीम सिंह अखाड़े में लड्डू सिंह जी से फाइट करने गया है। डोंट वरी शिवा, लड्डू सिंह पूरे वेदांत सिटी को अकेले संभालता है, तो फिर भीम सिंह क्या चीज है? आई, उसको पटकना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लड्डू सिंह का दमखम यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक के अखाड़ों में है, फिर ये तो मेरा अपना शहर है। क्या बना, उसके चमचे भी खड़े हो गए। शिवा की साइकिल पर हो जाओ सवार। फुल एपिसोड्स के लिए अभी डाउनलोड करो वोट के जैप एंड ट्राई फॉर फ्री। भीम सिंह कहाँ है? लड्डू सिंह, आप खोल कर देखो,
भीम सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है। मजाक बंद करो, मजाक अच्छी बात नहीं है। मजाक करना मैंने छोड़ दिया है। मैं भीम सिंह हूँ, मेरा चेहरा देखो। तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया था, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भीम सिंह जी, आप घर चलिए, नाना जी बुला रहे हैं। शिवा, लड्डू सिंह जी ने मुझे चैलेंज किया है, अब तो ये फाइट हो कर रहेगी। पेड़ा राम, आज शुरू करो। भीम सिंह को क्या हो गया है? जब तक मैं तुम्हें नॉकआउट नहीं कर देता। नॉकआउट हो जा लड्डू सिंह, नॉकआउट हो जा, वरना ये भीम सिंह तुझे नहीं छोड़ेगा। भीम सिंह जी, अब बस करिए, देखिए लड्डू सिंह जी नॉकआउट हो गए हैं। अब मैं वेदास शहर का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। वेदास शहर का सबसे शक्तिशाली इंसान शिवा है, वो तुम्हें कभी भी कहीं भी हरा सकता है, समझे? लड्डू सिंह जी क्या कह रहे हैं? ये तो भीम सिंह को अब शिवा से लड़वा कर ही रहेंगे। अगर ये बात है तो हो जाए मुकाबला, आगे संडे इसी जगह सबके सामने मेरा और शिवा का मुकाबला होगा। मैं भीम सिंह जी से नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ोगे तो मैं रोज पुलिस स्टेशन में आके लड्डू सिंह जी से फाइट करूंगा। रोज पुलिस स्टेशन में आके? नहीं नहीं शिवा, तुमको लड़ना होगा, तुम्हें इस घमंडी इंसान की आंखें खोलनी होगी। शिवा शिवा, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, यू डोंट वरी, ओके? मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ। ओके भीम सिंह, ओके, नेक्स्ट संडे हाँ, यू कैन गो नाउ। शिवा, मुझे भीम सिंह के रूम में एक किताब मिली है। भीम सिंह ने कुछ जड़ी बूटी खाकर खुद को पहलवान बना लिया है। शायद उस दवाई का कुछ असर भीम सिंह के दिमाग पर भी पड़ गया है और इसीलिए वो सबसे मारपीट कर रहा है। नाना जी, ये देखिए, इस दवा का असर उतारने की दवा भी लिखी है, आप इसे तैयार करिए। यस यस, मैं करता हूँ। शिवा, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग के लिए आ जाना। शिवा तेज और तेज, तुम्हारे अंदर चीते की स्पीड होनी चाहिए। यस शिवा, तो आप बताओ, जब फाइट ऐसे शुरू होगी तो तुम उसके हाथ से कैसे बचोगे?
ये कैसे किया शिवा? लड्डू सिंह जी, आदमी कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, शिवा की साइकिल पर हो जाओ सवार। फुल एपिसोड्स के लिए अभी डाउनलोड करो वोट के जैप एंड ट्राई फॉर फ्री। उसकी उंगलियां और बॉडी के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आपको सिर्फ जोर लगाना है, वो खुद ब खुद ही उड़ के गिरेगा। आदि यूडी, देखा तुम लोगों ने, ये सीखो। शिवा को तो मैंने सिखा दिया, अब तुम लोग भी सीखो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम शिवा से लड़ोगे? मुझे साबित करना है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। भीम सिंह जी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, प्लीज मत लड़िए। नहीं, तुम्हें लड़ना होगा वरना मैं पूरे शहर में लोगों को पीट पीट के कोहराम मचा दूंगा। ओके भीम सिंह जी, जैसी आपकी मर्जी। आपको चोट लग गई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे चोट लगे? चलो फाइट शुरू करो। ओके, फाइट स्टार्ट। भीम सिंह कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इस फाइट के विनर हैं मेरे शिष्य, जिन्हें मैंने दिन रात मेहनत करके ट्रेन किया। यस शिवा। भीम सिंह, चाय तो पिलाओ। नाना जी, ये रही आपकी अदरक वाली चाय। नाना जी, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे किसी ने बहुत पीटा हो, बदन दुख रहा है। अरे सोचना कुछ गलत नहीं है भीम सिंह, पर अब तो रात गई बात गई। क्यों शिवा? हाँ नाना जी, रात गई बात गई। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। भीम सिंह जी, आपसे क्या छुपाना, बस ये समझ लीजिए एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया। इस बात पर मैं एक अच्छा राग सुनाऊंगा।
पूरा नहीं थोड़ा तो सुन लेते।